हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलिस हट पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेलल बार डिप। ठीक है, जैसे कि आपने अभी देखा कि वो डिप्स जो होती हैं पैरेलल वाली, वो कैसे आप इजीली प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिससे होल्ड तक नहीं होता, जिससे एक डिप्स भी नहीं लगती, बिल्कुल बिगिनर है वो, मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम ईजी वे में और बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के कम ऑन, अपने प्रोग्रेस को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, क्या करना, सबसे पहले तो आपको हल्का मोड़ा वॉर्म कर लेना, ये शोल्डर स्ट्रैप्स एंड इनकी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी है इस टाइप से। ठीक है, ये इन्हें 4 से 5-10 बार खींच लेना है और यहाँ सर्कल्स, ठीक है, और थोड़ा सा इधर एंड इधर, ठीक है, नेक सर्कल्स। सो गाइस, स्ट्रेचिंग के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी आती है स्कल क्रशर, उसे आपको कैसे कर लेना देख लो। आपको कोई भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, या घर पे कोई इस टाइप का कोई जगह मिल जाए, या घर पे कहीं भी कुछ चेस्ट लेवल का कोई आगे निकला हुआ कुछ मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस टाइप से हाथ यहाँ रखना, लेग पीछे, देन यहाँ सर अंदर, देन आपको क्या करना है, एल्बो को इस तरह से बेंड करना है और फिर वापस, एल्बो को यहाँ अंदर बेंड करना है फिर वापस, ठीक है। इसके 10-10 के आप 3 सेट लगा सकते हो रिलैक्स कर करके, ठीक है। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए है, ताकि थोड़ा आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाए ट्राइसेप्स की एंड थोड़ी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, ठीक है। देन गाइस, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म या फिर कुछ भी मिल जाए, आपके घर पे स्टेयर्स होंगे, ठीक है, स्टेयर्स आप ले सकते हो या चेयर आप ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे शोल्डर विड्थ पे आपको क्या करना है, अपने हैंड्स रखने हैं एंड इस टाइप से आपको डिप लगानी है, 90 डिग्री एल्बो लेके जानी है और 90 डिग्री हमें लेग्स को। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ शोल्डर विड्थ पे आपको इस तरह से हैंड्स रखने हैं एंड आपको 90 डिग्री जाना है, ठीक है, इस टाइप से। आपको ऐसा नहीं करना कि एल्बो ये बाहर जा रही हैं और या फिर हिप्स आपकी आगे आ गई, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से ये, एंड आपको क्या नहीं करना है, देखो ये हिप्स को आगे लेके नहीं जाना, इससे क्या होगा, हमारी देखो एल्बो वहाँ पे आ जाएंगी, हमें ये एल्बो यहीं पे रखनी है इस लेवल में, इसी लेवल में, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यहाँ शोल्डर विड्थ एंड ये हिप्स हमें यहीं पर रखनी है एक ही जगह, ये नहीं करना, इससे क्या होगा, शोल्डर्स पे थोड़ी इंजरी वगैरह आ जाएगी, कुछ नसें वगैरह खिंच जाएंगी, तो वो गलत है, ठीक है। क्या ये जितना बेसिक, जितना अच्छे से क्लियर करोगे एडवांस, उतना बेहतरीन और जल्दी सीखोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसके 10-10 के 4 सेट रेस्ट ले लेके ईजिली कर लेना है, 10 कर लो तो इसे बढ़ा सकते हो, 20 भी कर सकते हो, या फिर कोई टाइम रूटीन ले लेना, टाइम रूटीन में आप 50 से 60 कर सकते हो, ठीक है। देन इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाएगी जब आप इस पर मास्टर्स कर लो, देन आपको अपनी पैरेलल बार डिप्स पे, यहाँ पे पैरेलल बार्स पे आ जाना है, ठीक है। पैरेलल बार्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल निगेटिव डिप्स लगानी है। निगेटिव डिप्स कैसे, यहाँ से देखो, निगेटिव बार डिप्स आप कैसे करेंगे, यहाँ से आपको सिंपल जंप लेके ऊपर जाना है, ये होल्ड किया और ऊपर नीचे से पैरों से प्रेशर लेके जंप लेके ऊपर, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वे बॉडी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं डालनी, ठीक है, एकदम कोशिश करनी है स्ट्रेट ये, ठीक है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके 3 से 4 सेट होल्ड के लगाते रहना है। देन गाइस, इसके प्रोग्रेस में आपको क्या करना है, देखो फिर से आपको ऊपर जाना है, ठीक है, फिर से आपको ऊपर जाना है और देन आपको अपने शोल्डर्स एंड ट्रैप्स का मूवमेंट करना है, ये भी आपके निगेटिव बार डिप्स का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ये क्या, एल्बो आपको बैंड नहीं करनी है, ये सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर नीचे करना है, ये जो मैंने पुलअप वाली आपको वीडियो में बताया था, स्कैपुला पुलअप बताए थे, अपने एक्टिव और डेड होल्ड को मिक्स करना, इसमें भी आपको वही करना है, इसमें भी दो होल्ड हो गए, डेड एंड एक्टिव, तो इसमें भी ये मूवमेंट,
ठीक है, इस टाइप का। ये आपको 10-10 के तीन सेट आपको इजीली कवर कर लेने हैं। बहुत ही अच्छा ये वर्कआउट है जिससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। देन गाइस आपको क्या करना है, इसकी प्रोग्रेस के लिए आपको अब ऊपर फिर से जाना है और धीरे धीरे नीचे आना है, एंड डाउन, फिर से ऊपर जाना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, डाउन। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट निगेटिव बार डिप, ठीक है। वो सारे निगेटिव बार डिप के एक पार्ट समझो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ये निगेटिव बार डिप हो जाता है। आपको ऊपर जाना है और स्लोली स्लोली नीचे, रिलैक्स, फिर ऊपर जाना है, फिर स्लोली स्लोली नीचे, ठीक है। इसके 15 रैप्स के तीन सेट इजीली आपको कवर कर लेने हैं। जितना अच्छे से आप कर पाओ उतना बेटर है। देन गाइस अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, ठीक है, निगेटिव बार डिप आप लगाने लग गए हैं। तो अब मैं मानता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ शोल्डर्स की इतनी अच्छी हो गई होगी कि आप इजीली आप अपना 5-10 पैरेलल बार डिप लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करनी, कोशिश करनी है, जो जब आप यहाँ से जंप लेके नीचे जा रहे थे, अब आपको यहाँ से ऊपर भी उठना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है 4-5 रैप इसके कंप्लीट करने की, ठीक है। ध्यान रहे पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। पोजीशन अब मैं बता देता हूँ कैसे। पोजीशन कैसे, पोजीशन में आपको क्या करना है, देखो ऊपर गए, आपको ये एल्बो बाहर नहीं रखनी है इस टाइप से, ठीक है, एल्बो अंदर, यहाँ पीछे की राइड, ऐसे रखोगे तो गलत है, ऐसे रखना है। देन लेग्स अपने इस टाइप से आगे नहीं रखने या ऐसे नहीं रखने, इन्हें यहाँ पीछे रखना है और चेस्ट को थोड़ा ऊपर करके, ठीक है। इस टाइप से आपको इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो गाइस इसके और भी तरह तरह के एडवांस तरीके हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा। ये था आपका पैरेलल बार डिप का ट्यूटोरियल, कैसे आप इजीली इसे कर सकते हैं और इसके करने के फ़ायदे क्या हैं, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे करके आपका बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और कैलिस्थेनिक्स में एक एडवांस की स्टेप भी होता है, ठीक है गाइस। ये था आपका पैरेलल बार डिप का ट्यूटोरियल। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके उसे लाल कलर का बटन होगा दबा दो और कमेंट में बताओ कैसी आपको वीडियो लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।